क्वेश्चन 2016 का सवाल है. क्वेश्चन सेज इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वी इज गिवन एज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेर एन बी आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड विल बी. और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. अगेन बहुत सिंपल सवाल है. अपने को यहाँ पे वी दे रखा है, वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. अपने को बताना है फाइंड एक्स बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड ना, हाँ लाइट फ्रॉम 1 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इन दोनों के बीच में अपने को डिस्टेंस वो बताना है. तो नाउ इसको अगर हम डी वी बाई डी टी को लिख दें, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डी टी को उधर ले जाएं तो आपका डी एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, और पकड़ के हमने सांप का साइन लगा के दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है. नाउ इसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इनडेफिनेट भी कर सकते हैं. अगर इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे तो इसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू 1 से 2 रख देंगे 0 से x, ये आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी. इनडेफिनेट से करेंगे तो प्लस सी आएगा इनिशियल, मतलब उसके बाद भी वैल्यू आ जाएगी इसकी. राइट, सो इसकी वैल्यू एक्स विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा आपका ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बनेगा टी स्क्वायर बाय 2, वैल्यू आपको 1 से 2 रखनी है, प्लस बी इसका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा टी क्यूब बाय 3, वैल्यू 1 से 2 रखनी है. सो ये आपका ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, प्लस बी ये बनेगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 3, तो 3/2 ए, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई. प्लस यहाँ पर बनेगा 8 माइनस 1 7/3 बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस सम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर.